तो यहाँ चल रही है पार्टी। ये देख, ये देखो भैया आ गया अपना नया सोफा बन के। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। एमो एमो गुड मॉर्निंग करना सबको। बेटू गुड मॉर्निंग करना सबको। इसको तो अपना पापा उठाना, ये नहीं करने वाला भी। एमो आप क्या क्या ब्रेकफास्ट में खाते हो, आप सबको बताओगे क्या? हैं, बताने वाले हो क्या? बताओ ना मुझे क्या खाने वाले हो। इसने ब्रेकफास्ट अपना कर लिया है। और वैसे तो ये ठंडी का टाइम आ गया है, बनाना अगर आपके बच्चों के लिए सही रहता है, अगर उसके अकॉर्डिंग अगर वो उसको ठंडी नहीं होती है, मतलब लगती है, तो दे सकते हो आप बनाना शेक, और या फिर उसके अलावा कोई और शेक भी दे सकते हो जो बच्चे को पसंद हो, या कोई फ्रूट वगैरह, है ना एमो? ओह माय गॉड, ओहो बिस्किट ले रखा भाई, खाना नहीं है, मुँह में तोड़ के और नीचे गिरा देगा। मम्मी ये छोटी छोटी पूरी किस तरह उतारन लग रहे हो, ये क्या है? सूखी मठरी बना रहे हो मेरा पत्ता की। पत्ता की? हाँ। पूरी खाओगा वो? पूरी को नहीं, सूखी मठरी जो पानी का पतासा खा के आकर ना उसको। अच्छा। तो वह तो मैदा की बनाओ से। हाँ। और मैं अपना घर ने गेवा की भी, गेवा का तो चून ले लिया। हाँ। और सूजी की गेर ली एक चम्मच। हाँ। थोड़ी सी अजवाइन, हींग और नमक। देखो कितनी बढ़िया राउंड, और देसी घी में बना के धर दूंगी। देसी घी में बनाओ, क्योंकि बाहर तो ऑयल वगैरह मेरे मैदे की मिला तो वे हेल्दी ना होती। बच्चे ने ऐसी कुरकुरी चीज खाना पसंद करे क्योंकि दाता की वजह से, और इस तन दी ना तो इसने खाई। यूं करके उस गिलास से कर लिया कट, और ये भी एक्स्ट्रा उठा लेंगे। ये देखो तो राउंड राउंड निकल आई, अभी निकल आई ये सारी। ये देखो सिंपल सा खाना, और इधर ये खा रहे। भगवान आदमी हो क्या, हो मशीन हो? मैं इनकी रोटी रख के अपनी लेके आई हूँ, इधर में तो खा भी गए। तो घर पे आ गई थी, और घर पे आने के बाद मैंने ले लिया काशवी को। सबसे पहले काशवी के नेल्स जो है ना कट करे, काफी लंबे हो रहे थे, बोले मारते ना कटवाते, मैंने काट दिए, है ना काशवी? हाँ काशवी ला दिया ना, ला दिया, मुंह बीमार कराएगा पाइस ने। हाँ यहाँ पे बिस्किट बलाइए मम्मी ने, लपना देख लपना। फिर इस वैलेंटाइन तो करवा ले, मैं जीब काट, जीब काटते केक के कहना चाहो, करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, साले ने केस ला दोगे, कर ले जल्दी, इतने इतने इतना अच्छा हो है। जीब काट लम, देर नहीं करा भाई, कोई भी सौदा नया नोजन पुराना सौदा। हां देखा, जितना दौड़े करोगे हां उतना और बढ़िया। हां कर ले, कर कर का खत्म हो, ये शर्माओ है, देख तो बोल को नहीं रखे मैं भी। तो ना टेंडर लेन कर लेन, मेरी माँ को नाम याद नहीं रहा, पता है क्या कह रही है? ये बेटा तू न्यू कर, 14 टंडे ने करवा ले, अम्मा दिमाग ला ला, 14 टंडे वैलेंटाइन डे ने क्या है? अगले महीने फरवरी में दादा इपुर हो जाएगा, बता दो फाइनल डेट। यो तुम बताओगा बहुत बेरा देगा। आ रहा है बढ़िया, फुल स्ट्रोक भर रहा है। वेलवेट का भी इधर दिखाऊंगी कि क्या रहे हैं ये, इधर भी सारे और इधर भी, ये सारे विंटर के हैं जिनके पैक होने थे, कई कई साथ में पैक भी हो रहे हैं, और कुछ जालिया है भाई डालन थी, तो दिखाऊंगी नया सूट में कौन सा रेडी कराने वाली हूँ। तो देखो अभी ना शिमर में आ गया है, ये ऊपर तो ये तो है सूट, ये सलवार और ये दुपट्टा, कलर कंट्रास्ट देख लो कितना सुंदर है, और इसी का सेम कलर कंट्रास्ट एक वो लगा हुआ है, वो सूट डिजाइन अलग है। हाँ अलग है भाई, इसका अलग है, उसका अलग है, देखो इस पे आम भी सी बन रही है, इस पे पत्ती सी बन रही है। हाँ एक यो आया है, ये देखो कितना ज्यादा अच्छा लग रहा है। हाँ इसमें कंट्रास्ट में आ गया, कंट्रास्ट दिखा, ये नहीं थी इसका कंट्रास्ट, यो है, यो तो इसका सूट है। और ये इसके बॉटम है, 3D है यो, ये बॉटम पे वर्क है, और ये इसकी चुन्नी है। दुपट्टा अलग कलर का है, सलवार अलग कलर की है, सूट अलग कलर का है, इसने बोला 3D, ये देखो
बढ़िया है सूट, प्यारा लग रहा है। यो देखो और कति येलो कलर में कितना प्यारा है, यो तो है इसके गले पे जो ये शादी नहीं हुआ है हल्दी के प्रोग्राम थी हल्दी पे येलो पे रह रहा है ना, ये देखो कितना मस्त लग रहा है। इसकी सलवार बॉटम दिखाना, एक तो मैं भूल गई, ये है इसकी बॉटम, बॉटम पे भी वर्क कर, ये देखो। और वो रहेगा दुपट्टा कंट्रास्ट में कृपाली ब्रांड का, आपने मेरा कृपाली ब्रांड के सारे सूट बढ़िया रहे हैं, पिंक कलर में, रानी रानी कलर है, पिंक नहीं बोलूँगी। और यू नीचे और दुपट्टा भी इतना ही सेम जो नीचे पर रखेगी इतना दुपट्टा भी रहेगा, और प्लेन बॉटम रहेगी ये कलर। और ये है इसमें ग्रीन कलर, रेड येलो और तो फिलहाल मैंने अपना रेडी करने के लिए दूंगी, जिसमें ये वाला सूट रहेगा, इसमें कलर, यो कलर इतना ज्यादा चल रहा है, इसमें कलर और भी आ रहे हैं वो दिखा दूंगी मैं, दिखा। ये है इसकी बॉटम और ये है उसका दुपट्टा अलग कलर का। इस बढ़िया सूट का भाई प्राइस क्या है? इसका प्राइस रहेगा 2150 बस, 2150 है भाई, ठीक है। जिस जिसने और कलर मिलेंगे कि इसमें क्या है? और इसमें ना कलर चार थे, एक कलर सेल हो गया था, तो फिलहाल यो कलर है, यो मैं रेडी करवा रही हूँ, एक ये कलर है, एक ये कलर है, ठीक है, एक इसमें सेल हो गया था, तो ये अपने हिसाब से देख लो आप लोग जोन सा ऑर्डर करना है। तो यहाँ चल रही है पार्टी, ये देख लो सारे ना खाली है, चाउमीन मजे से आ गए है गति, ये देख लो पापा ने कहा मैं देसी खाऊं, चाउमीन किस तरह खाओ पा है बताने, तो ये सूट जो है ग्रीन कलर का है भी, इसमें आप लोगों को कैसा कलर दिख रहा है पता नहीं, वेलवेट का, ये सासू माँ का रेडी होया था जो मैं बताऊं थी, और ये है पोचो पे डिजाइन, और इस पे चलेगी रेड चुन्नी, बहुत सुंदर लग रहा है, ये भी पहनेंगी जब फुल लुक दिखाऊंगी मैं, ये देखो ये है अपने राणा कलेक्शन से, तो ये सूट भी किसी ने चाहिए तो ऑर्डर कर लियो। हाँ जी पापा आते ही लटक गए, गोदी में लटक गए, गेट पे देख के आओ कौन आया, भागो भागो, देखो दादी गई, जल्दी देखो कौन है, गेट पे जैसे घंटी बजेगी ना तो ऐसे करूंगा ओ कोई आया है कि जाओ गेट पे, अब देखो सबसे पहले गया गेट पे, ओहो ये पापा को देख, ओहो दवाई लेके आया भाई, आओ जल्दी, ये देखो भैया आ गया अपना नया सोफा बन के, देख लो वाओ नया सोफा आ गया घर पे, देखो देखो नया सोफा आ गया, वाह वाह, तो ये आ गए हमारे नए सोफे, ये देखो, और ये है कहाँ से बनवाए, ये मैंने हाथ से बनाए, नीचे पार गए, बकवास मत करो, ये बनाए इन्होंने बड़े सरा इंटीरियर से, यानी कि अपने ही पेस से, तो आप लोगों को भी शादी वादी के लिए सोफे ऊपर चाहिए ना, और हमने थोड़ा सा ज्यादा डिजाइन विजाइन इसलिए नहीं करवाया बच्चे की वजह से, अब इसको भी ये वैसे 2-3 महीने में खराब ही कर देगा, तो ये काफी बैठने में इतने ज्यादा अच्छे हैं, ये मतलब बिल्कुल ऐसे हैं, बिल्कुल बढ़िया वाले, कई दिन बाद ना सोफे पे बैठे हैं, और अब जो है सोने का टाइम हो गया, मुझको सुलाने का टाइम 7:45 हो गए, बिल्कुल बस क्लीन करके इसको लेके जा रही हूँ रूम में, तो सोफे हमारे रेडी हो गए, तो जिस जिसके घर में ब्याह शादी है या नॉर्मल किसी ने घर में चाहिए तो अपना पेज है बड़े इसरा इंटीरियर करके, जो अपना खुद का ही है, तो आप वहां पर ऑर्डर कर लियो, उसका इंस्टाग्राम पर आईडी मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगी, ठीक है। तो अब हमारा क्या रह गया, अब आपने क्या बोला था, हॉल का काम हो गया, सोफे का हो गया, क्या रह गया अभी, बेड रह गया ना, अभी 3 कमरों के बेड बनेंगे, हाँ, और लाइटें चेंज होंगी पूरे घर की, पर धीरे धीरे करवा रहे हैं, एकदम से नहीं, क्योंकि घर में बालक भी है, फिर काम में जिस तरह वीडियो वगैरह का, तो पति देव ने भी बीच बीच में फैक्ट्री में भी जाना, काम कई सारे हो जाए हैं, तो धीरे धीरे करके करवा रहे, एकदम से नहीं कि पूरा घर ही उथल पुथल हो जाए, तो इसी के साथ करते हैं इस ब्लॉग का एंड, आप लोगों को सोफा कैसा लगा, आप इसमें अगर कोई और कलर करवाना चाहो तो वो भी करवा सको, बाय बाय।